नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज नेटवर्क। मैं हूं फोनुजा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। पंचायत वार्ड प्रतिनिधि दरभंगा जिला के तमाम प्रखंड से आए हुए वार्ड मेंबर धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन का आयोजन किए। उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो दरभंगा जिला के पुनर्गठन के माध्यम से सरकार जो हमारी जो मांग है वो अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और पंचायत से लेकर प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर के जिला तक हम इस आंदोलन हम देख करके अपना कर लेंगे। प्रखंड अध्यक्ष आज जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष आंदोलन करने को तैयार हुई है। आज हम अपने आंदोलन के माध्यम से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो जिस तरह से बिहार सरकार का पत्र निर्गत हो रहा है लेकिन प्रखंडों में और पंचायतों में और जिला में डीपीआरओ साहब के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है जो वार्ड सदस्यों का सारा अधिकार छीन लिया गया है तो इसके विरोध में आज हम लोग आंदोलन करने को विवश हैं और आगाह करते हैं अपने बिहार के माननीय मुखिया को जो आप संभल जाइए। वार्ड सदस्यों ने आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके चला है लेकिन जिस ढंग से आपने वार्ड सदस्यों के साथ बेईमानी किया है आपका पदाधिकारी पत्र को लागू नहीं करता है और आप मौन बैठे हुए हैं। आपका पदाधिकारी न कहीं इस सही ढंग से कार्रवाई करता है 100-100 लेटर देने के बाद भी जिला में एक भी कार्रवाई किसी पर नहीं होता है। पैसा लेकर के रफा दफा किया जाता है मामला को तो हम सभी साथी इसी को लेकर के आज आंदोलन करते हैं और अपने जिला पदाधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं जो इस तरह का व्यवस्था रहा तो आने वाला समय में और उग्र से उग्र आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा।